हाय सुपर पेरेंट्स, आज का टॉपिक है वेजिटेबल्स के नाम बच्चों को सिखाना। हम क्या क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं जिससे बच्चे जल्दी जल्दी वेजिटेबल्स के नाम सीख जाएं। तो एक्टिविटीज सारी हमारी बहुत ही मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग हैं, तो देखते जाइए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्टिविटी। आप रोज़ जो भी मील बच्चे के साथ कर रहे हो, उस मील के दौरान आप बच्चे को ज़रूर बताएं, आपने जो भी बनाया है या वो आप लोग कहीं बाहर भी खाना खा रहे हो तो ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन से वेजिटेबल्स खा रहे हैं। और ये एक नियम बना लीजिए कि आप हमेशा वेजिटेबल्स के नाम बच्चे को पॉइंट आउट करेंगे जब भी आप खा रहे होंगे, या आप उनसे पूछेंगे अगर उन्हें ऑलरेडी आते होंगे, तो इससे उनकी लर्निंग रीइंफोर्स होगी और अगर उनको नहीं पता है तो उन्हें पता चल जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, रोज़ मील्स के टाइम आप अपने वेजिटेबल्स जो भी आप खा रहे हैं उनको उनके नाम ज़रूर बोलेंगे। नाउ सेकंड टेक्निक, जब भी हम बच्चे को नॉर्मली बुक्स के थ्रू वेजिटेबल्स दिखाते हैं और उन्हें बुक्स में फिंगर पॉइंट करके वेजिटेबल्स के नाम याद कराते हैं, तो इससे एक स्टेप हम आगे जाएंगे। हम एक टोकरी में सारे वेजिटेबल्स भी रखेंगे एंड बुक भी ओपन करेंगे। हम बुक में बताएंगे कि ये वेजिटेबल है, प्लस बच्चे को बोलेंगे कि आप इस टोकरी में से ये जो वेजिटेबल हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ये आप इसमें रखिए, बुक के ऊपर रखिए। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे बच्चा रियल और पिक्चर में भी डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट टेक्निक है वेजिटेबल मार्केट सेटअप करना अपने ही घर में। यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो मनस्व के फादर और मनस्व ने अभी संडे को करी थी और वो लोग ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था इस एक्टिविटी में। उसका एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइंड द वेजिटेबल। नाउ इसमें आपको सिर्फ वेजिटेबल का नाम बोलना है एंड वेजिटेबल्स बच्चे के सामने रखने हैं एंड वेजिटेबल बच्चा पिक करेगा। आप दोनों लैंग्वेजेस में बच्चे को वेजिटेबल का नाम बताइए जिससे कि वो दोनों लैंग्वेजेस में सीखेगा और उसकी वोकैबुलरी दोनों लैंग्वेजेस की इंक्रीज़ होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को या तो सिर्फ हिंदी सिखाते हैं या तो सिर्फ इंग्लिश सिखाते हैं एंड वो दूसरी लैंग्वेज में वेजिटेबल को नहीं रिकग्नाइज़ कर पाते, तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों लैंग्वेजेस बच्चे लर्न करें। नाउ इसी में आप एक बड़े बच्चों के लिए एक रिडल्स फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, वेजिटेबल्स के बेनिफिट्स बता के, उनके कलर्स बता के उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा वेजिटेबल सिखाने के टेक्निक्स। आई एम श्योर आप ये सारी टेक्निक्स ज़रूर ट्राई करेंगे एंड मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आपका आपके बच्चे ने कितनी जल्दी वेजिटेबल्स के नाम सीखे। पर रीइंफोर्स करना मत भूलिएगा हमेशा, हर एक्टिविटी के बाद हर रोज़ उन चीज़ों को ज़रूर याद दिलाइए बच्चों को वापस से। एक्टिविटी ख़त्म होने के साथ हमारे लर्निंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यू होनी चाहिए एक्टिविटी के बाद। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर द एक्टिविटीज़ एंड प्लीज़ डू ट्राई देम।